नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड का पार्ट टू है, चैप्टर थर्ड है अंतरिक्ष खोज, और इसका ये पार्ट टू है ये पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट वन हमने पढ़ लिया था, आपने नहीं देखा वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम क्लास सिक्स की SST स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना, और दो चैप्टर हमने पढ़ भी लिए हैं इसके। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा सारे वीडियो। और क्लास सिक्स का मैं आपको बता दूं कि जो हम स्टार्ट करें हैं SST सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, उसका हमने सबसे पहले भाग वन भूगोल स्टार्ट किया है। तो भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये है चैप्टर थर्ड अंतरिक्ष खोज। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री। वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो तरह तरह के उपयोग होते हैं उनके लिए कृत्रिम पिंड भेजे हैं, कहाँ पर? अंतरिक्ष में। और जो पृथ्वी के क्या कर रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी है और पृथ्वी के ये चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। साधारणतः धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरातल पर आ गिरती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हम धरातल ज़मीन से कोई भी चीज़ जब फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो क्या होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो इस कारण से दोबारा लौट कर आ जाती है, दोबारा से पृथ्वी पर धरती पर आ जाती है। तो लेकिन अगर रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए, तो उपग्रह पुनः लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो अगर ये क्या किया जाए कि रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान कर दिया जाए कि वो लौटकर दोबारा पृथ्वी पर नहीं आए। जैसे नॉर्मली हम जो भी कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं हवा में, तो वो क्या होता है, नीचे आती है रिटर्न, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो वो नीचे आ जाती है। और जो कृत्रिम उपग्रह जो वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए हैं, ये नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इनको एक निश्चित वेग प्रदान करके फिर ऊपर भेजा ताकि रिटर्न ना लौटे। देखिए, इसमें आपको बताया भी गया है, क्या आप जानते हैं पलायन वेग? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पलायन वेग या एस्केप स्पीड कहा जाता है। क्या कहते हैं? एस्केप स्पीड या फिर पलायन वेग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए। तो जब हम ये भेजेंगे कृत्रिम उपग्रह, तो इसके लिए क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक निश्चित वेग की। और वो निश्चित वेग कैसे दे सकते हैं? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की जब गति से उसको भेजेंगे, तो फिर वो वापस नहीं आएगी। कोई भी चीज़ जो हम स्पीड से भेज रहे हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए उसकी गति। इसमें देखिए और क्या बताया गया है, कोई भी व्यक्ति इतनी तेज गति से वस्तु नहीं फेंक सकता है, परंतु अब हमने इस ऐसे शक्तिशाली रॉकेट बना लिए हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई भी चीज़ है उसको हाथ से इतनी तेज फेंक दें, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम इतना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से नहीं फेंक सकते। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अब शक्तिशाली रॉकेट बनाए हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और इन रॉकेटों से अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं जो नीचे नहीं आते हैं। इन रॉकेटों से क्या किया जाता है, जो अंतरिक्ष यान होते हैं वो भेजे जाते हैं और जो नीचे नहीं आते हैं। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। देखिए, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, कृत्रिम उपग्रह वो हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, ओरिजिनल नहीं है ये, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, तो ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह हैं। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। जो हम वेग देते हैं ना उसको ऊपर पहुंचाने के लिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति देते हैं उसको, तो उसको क्या कहा जाता है, उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 6400 किलोमीटर से 36000 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के
कुछ कम वेग जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। देखिए जो ये पृथ्वी है हमारी, तो यहाँ से अगर हम स्पीड देते हैं 11.2 तो वो पहुँच जाएगा आराम से ऊपर और वापस नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने स्पीड दे दी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 दे दी, तो क्या होगा, जो पृथ्वी का ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है ना, वो उससे बाहर नहीं जाएगा बल्कि क्या होगा, वहीं पर चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लग जाएगा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया गया एक मशीनी पिंड है। जो कृत्रिम उपग्रह है वो किसने बनाया है, मानव ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है। कृत्रिम मशीनी पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। जिसे किसकी सहायता से, रॉकेट की सहायता से, और पृथ्वी की कक्षा जो होती है ना उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। चूँकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसीलिए यह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है। और उपग्रहों द्वारा टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसारण किया जाता है। उपग्रह द्वारा क्या होता है, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसारण होता है। ये उपग्रह जासूसी, मौसम, पृथ्वी संबंधी अन्य जानकारी भी हमें प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इनकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी मिल जाती है। जो हमें पता चलता है ना कि बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाली है, इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है, कृत्रिम उपग्रह से मिलती है। जिससे क्या होता है, जान माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। मतलब उनको अगर हमें पता चल जाए पहले से ही कि बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो वहाँ से क्या किया जाता है कि वहाँ से जो लोग होते हैं और सामान होता है उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम जन लोगों की और जो माल होता है वहाँ नुकसान नहीं होता, उसको बचत कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं हम। कृषि, वन और जल संसाधनों की व्यवस्था में भी कृत्रिम उपग्रहों द्वारा प्राप्त जानकारियाँ काफ़ी उपयोगी साबित हो रही हैं। कृषि, वन और जल संसाधनों की व्यवस्था, तो इनमें भी जो कृत्रिम उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारियाँ हैं वो उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक वन तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया था। तो ये याद रखना है आपको कि विश्व का जो पहला उपग्रह है ये कब पहुंचाया गया था, 1957 में, 1957 में, और किसने किसके द्वारा पहुंचाया गया था, स्पुतनिक वन के द्वारा। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक होड़ सी लग गई। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया। यह जीवित प्राणी कौन था, लाइका नामक एक कुतिया थी। कौन थी, जो डॉग होते हैं ना, डॉग बिच, तो वो कुतिया थी। कौन, जिसको सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भेजा गया था। और कौन था वो जीवित प्राणी, जीवित प्राणी था कौन, लाइका। और किस में भेजा गया था, स्पुतनिक 2 में भेजा गया था। हालांकि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा। 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। कब भेजा था सोवियत संघ ने, 1961 में। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तेक 1 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। कौन बने, यूरी गागरिन। ये देखिए ये फोटो है यूरी गागरिन की, और ये अंतरिक्ष यान वोस्तेक 1, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, वोस्तेक 1 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। तो आपको पूछा जाए कि विश्व का पहला व्यक्ति कौन है अंतरिक्ष यात्रा करने वाला, तो यूरी गागरिन है। फिर 1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। तो इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने
69 में क्या किया था? अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को भेजा था। किससे? अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से। कई बार अंतरिक्ष यान के भी नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से कितने यात्रियों को भेजा था? 3 यात्रियों को भेजा था, और इनमें से जो 2 थे वो चंद्रमा की सतह पर भी उतारा था, उनको चंद्रमा की सतह पर गए थे। नील आर्मस्ट्रांग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। तो आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। ये देखिए, ये जो चित्र है ये नील आर्मस्ट्रांग का है, और चंद्रमा की धरा पर ये देखिए नील आर्मस्ट्रांग इस तरीके से वहाँ पर उतरे थे, पिक ली गई है वहाँ की। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। भारत में सर्वप्रथम किसको मिला? राकेश शर्मा को। कौन से सन में? सन 1984 में। राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की, बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए थे। तो किससे गए थे ये? ये गए थे सोयूज T-11 यान इनका, ठीक है। इनका जन्म जो है 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। ये है राकेश शर्मा, ये देखिए, ये जो राकेश शर्मा है चित्र है जिनका, और इनका जन्म हुआ था 1949 में पंजाब के पटियाला में। अब देखिए नेक्स्ट है कल्पना चावला, ये देखिए ये जो चित्र है ये कल्पना चावला का है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में सन 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में, 1961 में। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला व राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। तो महिला की बात करें तो महिला में किसका नाम आएगा? कल्पना चावला का नाम आएगा, ठीक है। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 को हुई दुर्घटना में अपने 6 सहयोगियों सदस्यों के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई है। कल्पना चावला की मृत्यु हो गई है कब? 2003 में। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। तो सबसे पहली महिला पूछा जाएगा तो कल्पना चावला, सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला तो वो होंगी सुनीता विलियम्स, और ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन नागरिक कहाँ की हैं? ये अमेरिका की नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, नाम सुना है आपने, ISRO इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। किसका गठन किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन का। और कब किया गया? 1962 में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो डॉक्टर, ये जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1962 में। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है विक्रम साराभाई को। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 से में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो प्रथम भारतीय जो कृत्रिम उपग्रह है इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, ये याद रखना है आपको। और इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का 6ठा देश बना है। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना। सन 1975 से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें प्रमुख के नाम हैं जैसे कि भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्ससेट
ओशन सैट, जी सैट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। तो ये नाम भी आपको याद रखने, कई बार नाम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और एडुसेट का तो सीटेट में आया हुआ भी है प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि जो भारत कई उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेज चुका है वो कौन कौन से हैं। तो मोस्ट तो आपको नाम याद ही रखने चाहिए, जैसे कि भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्सेट, ओशन सेट, जी सेट, चंद्रयान, मंगलयान। इन उपग्रहों की सहायता से दूरसंचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़, तूफान संबंधी पूर्व अनुमान, रक्षा संबंधी गतिविधियां और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्र उपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। तो इन उपग्रहों के देखिए आपने कितनी सारी हेल्प करते हैं ये मंगल अभियान। नेक्स्ट है मंगल अभियान। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, वहां से उसे भेजा, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। मतलब सबने पहले कोशिश करी लेकिन पहले प्रयास में कोई सफल नहीं हुआ, जबकि भारत जो है इस मिशन में पहली बार में ही सफल हो गया। और मंगलयान है ये, तो इसको किस लिए भेजा गया था, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है, कहाँ से भेजा गया था, तो ये भेजा गया था कि आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कब भेजा गया था, नवंबर 2013 को भेजा गया था। और कितने समय लगा था इसको यात्रा करने में, 11 माह की यात्रा करके ये पहुँचा था सितंबर 2014 में, मंगल की कक्षा में इसने सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। पहले प्रयास में उपलब्धि हासिल करने वाला जो भारत है विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को भी प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया था कब, 2008 में, किस लिए, चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये प्रक्षेपण से पूर्व मंगलयान, ये जो चित्र दिखाया गया है आपको मंगलयान है, प्रक्षेपण यानी भेजने से पहले का है चित्र, और दूसरी तरफ दे रखा है एस्ट्रोसेट का प्रक्षेपण। नेक्स्ट देखिए, पहली अंतरिक्ष वैधशाला। मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनकी अंतरिक्ष में वैधशाला है। इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वैधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया है। तो ये देखिए एस्ट्रोसेट का प्रक्षेपण अभी हमने देखा। ठीक है, तो मंगलयान की सफलता के बाद अब भारत जो है उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनकी अंतरिक्ष में वैधशाला है। तो आपको याद रखना है कि भारत की भी अंतरिक्ष में अब वैधशाला है। इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से कब, अक्टूबर 2015 में देश की पहली जो है अंतरिक्ष वैधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया है। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष अपनी वैधशालाएं स्थापित की हैं। तो इनके अलावा ये भी आपको नाम याद रखना है कि भारत से पहले कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी वैधशाला बनाई है, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, और अब भारत का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे, और ये चैप्टर जो है चैप्टर थर्ड अंतरिक्ष खोज हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों मित्रों को सबको इनका फ़ायदा मिल सके इन वीडियोज़ का। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।